नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है एंड फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज हम ब्रेड कटलेट बनाएंगे, तो आइए देखते हैं ब्रेड कटलेट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ब्रेड कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ली है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके लिए मैंने बॉईल आलू लिए हैं जिनको मैंने छिलका हटा लिया है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, तो एक शिमला मिर्च ली है, एक लाल वाली शिमला मिर्च ली है और हरी मिर्च ली है तीखे के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें बेसन डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसका घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, इसे एक ही राउंड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसका घोल बना लेना है हमें। घोल बन करके तैयार है, अब हम इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि बेसन फूल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। उसके बाद में हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में मैं सरसों का ऑयल डाल देंगे, जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक प्याज को भून लेना है। थोड़ा कलर चेंज होने लगे प्याज का, उसके बाद में हमें शिमला मिर्च डाल देनी है और इसे भी पकने देंगे 1 से 1.5 मिनट तक। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, रेड शिमला मिर्च भी डाल देंगे, सभी को मिला देंगे। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी को मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, लगभग 3 से 4 मिनट तक इनको पका लेंगे हम। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो आलू का मैंने कद्दूकस कर लिया था, आलू को डाल देंगे इसमें और सभी को मिला देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है। मसाला बन करके रेडी है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। थोड़ी सी हल्दी डाल दें अगर आपको कलर ज़्यादा अच्छा ना लगे तो, ऐसा वाला हल्दी डाल के मिला दें। सबसे पहले हम ब्रेड की साइड वाली किनारी को कट कर देंगे कुछ इस तरह। हमें सभी ब्रेड्स की किनारी इसी तरह काट देनी है। हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद में हम एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर मसाले को फैला लेंगे चारों तरफ कुछ इस तरह। इसके बाद में हम दूसरी ब्रेड लेंगे और उसे इसे कोट कर देंगे इस तरह, ढक देंगे। इसी तरह सारी ब्रेड्स में हमें मसाला भर लेना है। मैं एक मोर आपको भर के दिखाती हूँ कुछ इस तरह, इसे भी कवर कर देंगे। अब इसे एक चाकू की सहायता से कट कर लेंगे बीच में से। मैं इसमें से 2 ही कट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 4 कट भी कर सकते हैं।
ये देखिए चारों तरफ मसाला अच्छे से भरा हुआ है ना। तो अब हम इसे इस बेसन में इस तरह डिप कर लेंगे, बस इस तरह, ताकि चारों तरफ इसमें बेसन लग सके अच्छे से। इसे बिल्कुल भी जब आपको कढ़ाई में डालना हो गरम ऑयल में तभी कोट करें, वरना ये बिखर जाएगी। ऑयल को मैंने पहले ही गरम होने रख दिया था, तो गरम ऑयल में हम इस ब्रेड को डाल देंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है गैस की, गैस का। ये देखिए ये कटलेट हमारा पक कर के तैयार है। मैं एक बार और बना के दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह कोट कर लेंगे चारों तरफ से। इसे हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इन्हें भी एक बार चेंज कर देंगे हम। इन्हें हमें अलटते पलटते सेक लेना है। एक बार और पलट देंगे, दूसरी तरफ भी सिकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है वरना कड़वाहट आ जाती है इनमें। ये देखिए कुछ इस तरह। इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ये कटलेट हमारे बन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो मैंने टमाटर इन्हें चटनी के साथ, हरी चटनी, टमाटर की चटनी या फिर सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।